सरिता, वेलकम टू अवर चैनल बायोब्लस। सो आज का हमारा टॉपिक है इननेट इम्यूनिटी। ओके, सो इननेट इम्यूनिटी जानने से पहले इम्यूनिटी क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट बॉडी टू रेजिस्ट और फाइट द पैथोजन। मतलब हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए हमारी बॉडी में जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड एक होता है इननेट इम्यूनिटी। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इननेट इम्यूनिटी देखने वाले हैं, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है। नॉन स्पेसिफिक ऑफ टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्यों बोला है? क्योंकि ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसको रोकेगा, ये किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए नॉन स्पेसिफिक। जब हम आगे टाइप्स देखेंगे तो ये थोड़ा और अच्छे से समझेगा, ठीक है। बर्थ से प्रेजेंट है इसलिए प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो इननेट इम्यूनिटी है ये हमको हम जो फॉरेन बॉडी है उसके लिए अलग अलग टाइप ऑफ रुकावट बनाता है, ठीक है, बैरियर बनाता है। और इस बैरियर के थ्रू वो उसको अपने बॉडी के अंदर एंटर करने नहीं देता, ठीक है। तो ये चार टाइप का बैरियर बनाता है, फोर टाइप्स ऑफ बैरियर है। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर नाम से ही समझ रहा है कि फिजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी पैथोजन है या जो भी फॉरेन बॉडी है उसको अपनी बॉडी में आने से रोकेगा, ठीक है। जैसे सबसे मेन फिजिकल बैरियर कौन सा है? हमारी बॉडी का स्किन। स्किन क्या करता है? किसी भी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने नहीं देता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर माइक्रोब रहेगा या कोई पर्टिकुलर पैथोजन रहेगा तो उसी को अंदर नहीं आने देगा, है ना। किसी भी कोई भी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो वो हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको पहले बोला था कि नॉन स्पेसिफिक टाइप है, किसी स्पेसिफिक नहीं, सबके लिए है, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा क्या है? पहले तो क्या हो गया, स्किन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक एग्जांपल हो गया फिजिकल बैरियर का। दूसरा एग्जांपल क्या है? हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो यूरोजेनाइटल जहाँ से यूरिनेशन होता है ना, ये सारे जो ट्रैक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, इसके अंदर म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है। ये क्यों होती है? कि कोई माइक्रोब्स आ गया, कोई पैथोजन आ गया तो वो उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल क्या है फिजिकल बैरियर का? म्यूकस कोटिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। यहाँ पर ये क्या करता है? माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर नाम में यह कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से रुकावट बनाएगा, ठीक है। जैसे टीयर्स, हमारे आँख में पानी आता है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। तुम लोगों ने देखा रहेगा कभी भी आँख में कुछ गया तो आँख से पानी आता है, ठीक है। ये क्यों होता है? फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसमें तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कि उसमें लाइसोजाइम करके एक एंजाइम होता है, तो वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तीसरा है एसिड इन स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। तो ये क्या करता है? अगर फूड के साथ कोई माइक्रोब आया है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइस, ये तीनों फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। माइक्रोब अगर बॉडी में आ भी गया तो क्या करेगा? उसके ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। द थर्ड इज सेल्यूलर बैरियर। अभी सेल्यूलर बैरियर क्या होता है? नाम में ही है, सेल्यूलर लेवल पे जो बैरियर होगा, बैरियर मतलब रुकावट, तो सेल्यूलर लेवल पे जो रुकावट होगा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था मोनोसाइट्स हो गए, WBC के टाइप से ही है, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोसाइट्स, ये दोनों क्या करते थे? फैगोसाइटोसिस करते थे, ठीक है। तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर। नेचुरल किलर क्या है? लिम्फोसाइट्स के टाइप्स है, ठीक है। तो ये चारों, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर और मैक्रोफेज, चारों का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस करना। अब फैगोसाइटोसिस करना मतलब क्या? फैगोसाइटोसिस मतलब जो डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब जो डेड सेल्स वगैरह है, जो कचरा है बॉडी में, उसको एंगल्फ कर लेना, निगल लेना, ठीक है। दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो इसको फैगोसाइट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब को, ठीक है। द फोर्थ इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मतलब क्या? समझो मैं एक सेल हूँ, ठीक है। अब मैं एक सेल हूँ तो मेरे आजू बाजू में बहुत सारे सेल होंगे,
मुझे किसी वायरस ने अटैक कर लिया तो अब मैं तो इन्फेक्टेड हो गई, मैं इन्फेक्टेड हूँ किससे, वायरस से, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट बाकी के सेल्स जो है वो इन्फेक्ट ना हो, इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक प्रोटीन को सिक्रीट करूँगी। उस प्रोटीन का नाम क्या रहेगा, इंटरफेरॉन्स, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल मतलब, वायरस इन्फेक्टेड सेल मतलब जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स, वो इंटरफेरॉन्स प्रोटीन को सिक्रीट करेगा। ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, मतलब जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनको भी फर्दर इन्फेक्शन ना हो इससे बचाएगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी देखी, इम्यूनिटी के टाइप्स देखे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक क्यों है समझा, क्योंकि किसी भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं दे रहा है, ठीक है। कैसे नहीं अंदर आने देगा, रुकावट बना के मतलब बैरियर्स बनाएगा। कितने टाइप्स के, चार टाइप्स के, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्युलर और साइटोकाइन, और उसके नीचे उसका एग्जांपल्स है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी आप लोग, मीन्स इसका फोटो मैं एंड में दे दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी कोई भी टॉपिक्स पे अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।